तो दोस्तों, आज हम कुछ नया और अलग दिखाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं सूजी के रसगुल्ले। हम कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा तेल, एक कटोरी सूजी, एक बड़ा चम्मच खोया डालेंगे हम इसमें। उसके बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 50 ml। उसके बाद एक चम्मच चीनी और थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे जब तक ये इस तरह से ना हो जाए। दूसरी ओर हम बनाएंगे हमारी चाशनी। हम लेंगे 300 ml पानी, यानी कि 2 कप, एक कटोरी चीनी, चुटकी भर इलायची पाउडर। अब हम हमारे सूजी के मिश्रण को अच्छे से गून लेंगे ताकि ये चिकना हो जाए और इसके हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे। आप किसी भी आकार में बना सकते हैं, मैं कुछ इस तरह बना रही हूँ, आप भी चाहिए तो इस तरह बना सकते हैं। इस तरह से ये सारे गोले बनने के बाद हमें इन्हें चाशनी में डालेंगे। याद रखिएगा कि हमारी चाशनी पतली रहनी चाहिए। हमारे रसगुल्ले अच्छी तरह से चाशनी में मिलने के बाद हम इन्हें साइड में प्लेट में निकाल लेंगे और हम इन्हें नारियल के भूरे से कोट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इन्हें गार्निश कर सकते हैं। हम ऊपर से डालेंगे बादाम के कुछ टुकड़े और थोड़ा सा केसर डालेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।